बिसम रहीम वेलकम टू जहान अकेडमी स्टूडेंट्स आज हम बायमियल थ्योरम के बारे में डिटेल से जानेंगे डेफिनेशन ऑफ थ्योरम द थियोरम थ्योरम डिस्क्राइब द अलजेब्रिक एक्सपेंशन ऑफ पावर ऑफ बायनोमियल इज डिफाइंड एज ए मैथ टर्म मीनिंग टू एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाई अ प्लस और माइनस साइन डेट इज ए प्लस एक्स बाय का मतलब टू होता है और नोबियल का मतलब होता है एक्सप्रेशन यानी कि टू टर्म वाली एक्सप्रेशन या टू टर्म वाली वैल्यू को बायनामिल कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ बायनामिल ए प्लस एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू सम फ्रॉम आर इज इक्वल जीरो टू एन ऑफ एन कॉम्बिनेशन आर टाइम्स ए टू द पावर एन माइनस आर टाइम्स एक्स टू पावर आर ये बायनामिल एक्सप्रेशन की जनरल फॉर्म है जो कि सम की शेप में है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ बायोमल थ्योरम ए प्लस एक्स raised to power n is equal to n combination 0 into a raised to power n minus 0 into x raised to power 0. Second term OGI plus n combination 1 into a raised to power n minus 1 into x raised to power 1 plus n combination 2 into a raised to power n minus 2 into x raised to power 2 plus dot dot plus n combination n minus 1 इन ए रेज टू पावर एन माइनस ब्रैकेट एन माइनस वन इन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन लास्ट टर्म हमारी होगी एन कम्बिनेशन एन इन ए रेज टू पावर एन माइनस एन इं एक्स रेज टू पावर एन माइनस ज़ीरो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि एक्स की पावर असेंडिंग ऑर्डर में है यानी छोटी पावर से बड़ी की तरफ जा रही है पावर कम से ज़्यादा की तरफ जा रही है एक्स की पावर शुरू में जीरो है और आखिर में एक्स की पावर एन आ जाती है जबकि ए की पावर शुरू में एन माइनस ज़ीरो यानी एन है और आखिर में जाकर ए की पावर ज़ीरो हो जाती है अब इस एक्सपेंडेड फॉर्म की सिंपलेस्ट फॉर्म हम देखते हैं ए प्लस एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन प्लस एन कॉम्बिनेशन वन इन ए रेज टू पावर एन माइनस वन रेज टू पावर वन प्लस कॉम्बिनेशन टू इन रेज टू पावर एन माइनस टू रेज टू पावर टू डॉट 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 प्लस एन कंबिनेशन एन माइनस वन इंटू एंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस एक्स रेज टू पावर एन नेक्स्ट है जब एक्सपैंड करेंगे तो उसका आंसर आएगा वन प्लस एन ओवर वन फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्केर प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब पहली टर्म में एन मौजूद नहीं है जबकि दूसरी टर्म में एन है और उसके नीचे वन फैक्टोरियल से डिवाइड किया गया है तीसरी टर्म में एन लिखा गया और एन में से एक माइनस किया गया है तो नीचे टू फैक्टोरियल है तो ऊपर एन के दो फैक्टर बनाए गए हैं चौथी टर्म में एन के तीन फैक्टर बनाए गए हैं एन एन माइनस वन एन माइनस टू और नीचे थ्री फैक्टोरियल से डिवाइड किया गया है नेक्स्ट है टू फाइंड द स्पेसिफिक टर्म यानी अगर हमने कोई ख़ास टर्म मालूम करनी हो जैसे पांचवी टर्म छठी टर्म सातवीं टर्म तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन कम्बिनेशन आर इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस आर इन टू एक्स रेज टू पावर आर अगर हमने फोर्थ टर्म निकालनी हो तो हम आर की वैल्यू थ्री पुट करेंगे क्योंकि जब हम आर की वैल्यू थ्री पुट करेंगे तो प्लस वन होकर वो फोर्थ हो जाएगा जबकि एन कॉम्बिनेशन जीरो कॉमा एन कॉम्बिनेशन वन कॉमा एन 2 टू कॉमा डैश 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 कॉमा एन कॉम्बिनेशन एन और कॉल्ड द बायोनोमियल कॉफिशंट्स यानी ये तमाम बायोनोमियल कॉफिशंट कहलाते हैं एन कॉम्बिनेशन ज़ीरो वन के बराबर होता है जबकि एन कॉम्बिनेशन वन एन के, के बराबर होता है और एन कॉम्बिनेशन एन भी वन के बराबर होता है उम्मीद है आपको बायामिक फार्मूलाज के बारे में अच्छी तरह पता चल गया होगा अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो तो मेरे चैनल जहान अकेडमी को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले लेसन के बारे में आपको वक्त पे इंफॉर्मेशन मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में